हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घर पे हैं और सुरक्षित हैं। जो वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ वो है एक 165 स्क्वायर यार्ड्स का नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डबल स्टोरी का घर। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर 125 सनी एनक्लेव में है। आप देख सकते हैं घर के बाहर थोड़ा सा गार्डनिंग का एरिया भी छोड़ा गया है जहाँ पर आप अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें हम इसकी एलिवेशन की तो फ्रंट एलिवेशन में कम्प्लीटली आपको टाइल वर्क दिखने को मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि घर सुंदर दिखने के साथ साथ आपको पेंट के खर्चे से आए साल बच जाओगे आप। एंड इफ वी टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द हाउस, 27 फीट इसकी विड्थ है और 55 फीट इसकी लेंथ है। नेशनल हाईवे 21 से ये सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर्स की दूरी पे है। ये आपका पार्किंग एरिया आ गया जहाँ पे मैट फिनिश में फ्लोरिंग लगी हुई है ताकि कल को यहाँ पे कोई बंदा स्किड ना हो। एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू विल पार्क योर टू व्हीलर्स। फ्रंट एलिवेशन अगेन यू कैन सी कंप्लीटली टाइल वर्क है। एंड अनदर पर्क अबाउट दिस हाउस इज कि यहाँ पे आपको एक पानी की मोटर मिल रही है जो कि अंडरग्राउंड आपका वाटर स्टोरेज टैंक है, वहां से पानी को पंप करती है टू द टॉप फ्लोर जहाँ पे आपका 1000 लीटर का स्टोरेज टैंक लगा हुआ है। ये वुडन पैनलिंग आ गई आपकी वॉल्स में, इनके अंदर एलईडी लाइट्स लगी हुई हैं, रात को ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। एंड दिस इज़ द जाली डोर ऑफ द हाउस। मेन डोर जो जाली डोर है ये जाली डोर है, इसके अलावा और वुडन डोर जो है वो मेन डोर बना हुआ है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। जैसे ही हम घर के अंदर एंटर करते हैं तो आप एंटर कर जाएंगे आपके डाइनिंग और लाउंज एरिया में, जहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा एलसीडी पैनल बना हुआ है। डाइनिंग एरिया को ड्राइंग रूम एरिया से जो डिफरेंशिएट करती है ये ब्यूटीफुल वुडन पैनलिंग आप देख सकते हो, जहाँ पे आप अपने शो पीस रख सकते हो, अपनी फैमिली पिक्चर्स भी आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही खुला डुला ड्राइंग रूम एरिया आ गया, यहाँ पे आप अपना 10 सीटर सोफा आराम से लगा सकते हैं। और एक ब्लू कलर में बड़ा रॉयल फिनिश का वॉलपेपर यहाँ पे लगा हुआ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पूरे घर के अंदर प्रीमियम टाइल वर्क हुआ हुआ है फ्लोरिंग में। एंड दिस इज द वुडन पैनलिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप अपनी फैमिली पिक्चर्स रख सकते हैं और काफ़ी सारे शो पीस रख सकते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। एक बड़ा क्यूट सा आपको शैंडलियर मिल जाता है यहाँ पे, उसके साथ ही साथ यू आर गेटिंग दिस ह्यूज एलसीडी पैनल जहाँ पे आप अपना टीवी हैंग कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया से होते हुए आप एंटर कर जाएंगे अपनी मॉड्यूलर किचन में। किचन जो है वो कम्प्लीटली मॉड्यूलर किचन है, हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं यहाँ पे जो ऊपर वाले कैबिनेट्स हैं उनमें, और पूरी इनोटेक की एक्सेसरी लगी हुई है जिसकी वारंटी 10-15 ईयर्स की है। यहाँ पे आपको डुअल सिंक देखने को मिल जाएगी, उसके साथ साथ दो विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए हवा और रोशनी की। एंड द प्लस पॉइंट अबाउट दिस हाउस इज कि आपको टॉप ऑफ द लाइन एक्सेसरी तो मिल ही रही है और साथ ही साथ आपको चिमनी भी मिल रही है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे दो बेडरूम्स हैं विद अटैच बाथरूम्स, उसमें से पहला बेडरूम ये है। यहाँ पे भी आपको एक वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा, फॉल सीलिंग एंड फुल हाइट कबर्ड्स। ये आपका ड्रेसिंग टेबल एरिया आ गया, डेडिकेटेड ड्रेसिंग टेबल है और स्टोरेज आप देख सकते हैं कबर्ड्स में, देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज इन द कबर्ड्स। एलसीडी पैनल और कबर्ड का जो सनमाइका है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। द कलर कोडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम इज वेरी नाइस, वो पूरी कैरी फॉरवर्ड होती है आपके बाथरूम तक, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
द यूज़ ऑफ वाइट एंड ग्रे इज़ द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर बेडरूम, और वो पूरी थीम को बेडरूम के साथ साथ बाथरूम तक कैरी फॉरवर्ड किया गया है। ये वाले बेडरूम से आप बैकयार्ड को भी एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया रहेगा। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन रखेंगे एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग टू टैप्स, जहाँ से आपको वाटर सप्लाई आएगी। ये आ गया आपका सेकंड बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे भी जो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आपका वॉलपेपर हो गया, फॉल सीलिंग, फुल हाइट कबर्ड्स, एलसीडी पैनल, वो सब बॉक्सेस यहाँ पे टिक होते हैं। इस रूम का वॉलपेपर और इस रूम का जो कबर्ड का सनमाइका है वो और एलसीडी पैनल, ये सब का जो कलर कोडिंग है और कलर कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखते हुए इस रूम को डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ अ वेरी स्लीक लुकिंग एलसीडी पैनल। यहाँ पे आपको स्टोरेज वर्टिकली भी मिल रही है और हॉरिजॉन्टली भी मिल रही है। यह आपका ड्रेसिंग टेबल एरिया आ गया एंड देयर इज अ विंडो फॉर वेंटिलेशन ऑफ एयर एंड लाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी नेसेसिटी है। यह आपका बाथरूम आ गया। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो कलर कोडिंग है, कलर कॉम्बिनेशन को थ्रू आउट द रूम कैरी फॉरवर्ड किया गया इनटू द बाथरूम। दिस इज द स्टेयरकेस दैट विल टेक यू टू द फर्स्ट फ्लोर। आसपास की लोकेलिटी भी आप देख सकते हो, अच्छे घर बने हुए हैं आसपास भी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आप देख सकते हो कि आपका जो वुडन डोर है वो कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यहाँ पे भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं हुई। ये आपका जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर में एंटर करते हैं, यू विल एंटर इनटू योर डाइनिंग कम लाउंज एरिया। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपका 1 BHK का कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप कल को चाहें तो इस फ्लोर को आराम से रेंट आउट भी कर सकते हैं। आपको 10 to 15,000 की जो अर्निंग है इस फ्लोर से आराम से मिलेगी, जो कि आपकी EMI में भी हेल्प करेगी। बिकॉज अगर हम आज की डेट में घर लेते हैं, सो इट्स अ नेसेसिटी कि हम लोन भी लें, क्योंकि लोन के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं दैट आर वेरी लो नाउअडेज। तो अगर आप लोन भी लेते हैं तो आपको ये घर कमा के भी देगा पैसा, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी है। दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। आई बेग योर पार्डन, दिस इज़ द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस एंड द ओनली बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे आपको एक बड़ी विंडो मिल जाती है, LCD पैनल मिल जाता है। यहाँ पे आपका ड्रेसिंग टेबल एरिया भी आ गया और साथ में कबर्ड्स आ गए, आपके डोर लेवल हाइट के कबर्ड्स मिल जाएंगे आपको। देख सकते हैं आप स्टोरेज। एंड आई होप कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में दिया होगा कि हर एक बेडरूम की कलर कोडिंग और कलर कॉम्बिनेशन जो है वो थ्रू आउट द होल रूम एंड बाथरूम कैरी फॉरवर्ड हुई है। अब मैं आपको टेरेस एरिया दिखा देता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी आपका एक वॉशिंग एरिया बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर प्लग लगा हुआ है और पानी की प्रोविजन इधर है। इस पूरे फ्लोर पे बाहर की तरफ आप देख सकते हो कि मैट फिनिश में टाइल्स लगी हुई हैं। अगर इन फ्यूचर आप चाहते हैं तो इस पूरे फ्लोर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको आप अभी देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक फ्लोर और ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 का कॉन्सेप्ट जो है वो पास होता है। तो अगर आप चाहें तो इस फ्लोर को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अब हम इस वक्त हैं, जहाँ पे आपका स्टोरेज टैंक पड़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इसकी प्राइस जानना चाहते हो तो डू कॉल मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।